Hi everyone, I am Abhay Kakde and today we are going to speak about how to use will, would. तो आज हम जानेंगे कि will, would को इंग्लिश में हम कब और कैसे यूज करते हैं, हमें इनकी कब ज़रूरत होती है और इनका मतलब क्या है. तो ज़रूर ये लेसन आप आगे देखते रहिए. How to use will. Will को हम कब यूज करते हैं? सबसे ज़्यादा हम विल को यूज करते हैं जब हमें अपनी पसंद बतानी हो, मतलब कि हमारी चॉइस क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी मर्जी क्या है, मतलब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. विल इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ चॉइस और डिज़ायर. फॉर एग्ज़ाम्पल, I will take this duty. मैं ये ड्यूटी लूँगा. Will you stop talking like that? क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगे? I will accept your offer. मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करूँगा. ये भी आपकी चॉइस है. Will you keep quiet? क्या तुम चुप रहोगे? ये भी आपकी डिज़ायर बताता है कि आप किसी को नहीं सुनना चाहते. अब विल का सबसे ज़रूरी यूज़ होता है, विल हम फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं. विल इज़ यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल बी अ ग्रेट पार्टी. यह पार्टी बहुत अच्छी होगी. आई विल गो समवेयर टू नाइट. मतलब आपका प्लान है और आज रात आप कहीं जाने वाले हैं. अगर आप मौसम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे, मुझे लगता है कल बारिश होगी. आई थिंक इट विल रेन टुमारो. और अगर आपको लगता है कि कोई खबर है जो बहुत जल्दी फैलने वाली है या फैल जाएगी, तो आप कहेंगे, द न्यूज विल स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. तो यहां पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. विल को हम और एक तरीके से यूज कर सकते हैं. विल इज यूज टू टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन. ये यूज होता है डिटर्मिनेशन बताने के लिए. डिटर्मिनेशन मतलब कुछ करने की चाहत. हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि किसी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है तो आप कहेंगे, आई विल डू एज यू से. मतलब मैं वैसे करूंगा जैसे आपने कहा है. अगर आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप कहेंगे, आई विल ट्राई हार्ड. मैं कोशिश करूंगा. अगर आप श्योर है कि आप कोई मैच जीतेंगे तो आप कहेंगे, आई विल विन द मैच. मतलब मैं मैच जीतूंगा. एक और तरीके से आप विल का यूज कर सकते हैं, आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट. मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करूंगा. तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं और विल के पास्ट फॉर्म की बात करते हैं. विल की पास्ट फॉर्म क्या है, क्या होती है? विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड. हाउ टू यूज वुड. वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. वुड को भी हम विल की तरह चॉइस बताने के लिए यूज करते हैं. यानी कोई चीज पसंद है कि नहीं, उसे हम प्रेफरेंस कहते हैं. वुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ चॉइस और प्रेफरेंस. तो अगर आज आप शॉपिंग पे जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे, मैं आज शॉपिंग पे जाना पसंद करूंगा. I would rather go to shopping today.
और ऐसे ही अगर आज आप सिनेमा जाना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आई वुड रादर गो टू सिनेमा टुडे। तो इस तरीके से हम वुड को चॉइस बताने के लिए यूज करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें चुप बैठने की जगह कुछ कहना चाहिए। आई वुड रादर से समथिंग रादर देन सिट क्वाइट। तो वुड को हम यूज करते हैं अपनी चॉइस बताने के लिए, अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए। ऐसे ही हम वुड को यूज करते हैं अपनी विश बताने के लिए या डिजायर बताने के लिए। वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव वन मोर रोटी। मैं और एक रोटी खाना चाहता हूं। अब आप अपनी फ्री टाइम की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं और फ्री टाइम पसंद करूंगा। आई वुड लाइक मोर फ्री टाइम। और एक यूज देखेंगे वुड का। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ होने की संभावना बताने के लिए यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं तुम होता तो बहुत खुश होता। इफ आई वेयर यू आई वुड बी सो हैप्पी। अब हम वुड का फाइनल यूज देखेंगे, जो होता है डेली रूटीन बताने के लिए। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड वर्क अंटिल 5 PM। हम 5 बजे तक काम करते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया विल और वुड के यूजेस, एंड आई एम श्योर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।